वर्ल्ड बैंक के सालाना ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 174 देशों में 116वां स्थान मिला है। बुधवार को जारी हुई इस रिपोर्ट में कोरोना महामारी से पहले यानी मार्च 2020 तक 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य का डेटा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर देशों ने स्थिर उन्नति की है, जबकि लो इनकम वाले देशों ने बड़ी छलांग लगाई है। भारत का स्कोर 2018 के मुकाबले थोड़ा सुधरा है। साल 2018 में ये जहां 0.44 था, जो अब बढ़कर 0.49 हो गया है। वहीं पिछले साल इस लिस्ट में 157 देशों में भारत को 115वां स्थान मिला था, जिस पर केंद्र सरकार ने सवाल भी उठाए थे। इन आपत्तियों पर पूछे जाने पर वर्ल्ड बैंक की ह्यूमन डेवलपमेंट की चीफ इकोनॉमिस्ट ने बताया कि उनकी टीम ने क्वालिटी सुधारने के लिए देशों के साथ काम किया है, ताकि इंडेक्स का उपयोग मेजरमेंट को सुधारने के लिए किया जा सके, और भारत उन देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ह्यूमन कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए डायमेंशन की प्राथमिकताओं पर विचार कर सके।